हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ रेंच सिमुलेटर। और जैसे एकदम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने अपने ग्रैंडफादर के दिए हुए रेंच पे बहुत सारा काम कर दिया था, जैसे कि प्रेग्नेंट पिकी की डिलीवरी कराना, और जो अपना लोन था वो भी भाई काफी कम हो गया है, और एक नई बकरी भी लाए थे अपन। और साथ ही साथ अपन ने अपना एक फार्मिंग बिजनेस चालू कर दिया है जो कि प्रॉपर चलने लगा है। दो बार या तीन बार शायद मैं क्रॉप्स बेच के आ चुका हूं, जिससे मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो भाई चलते हैं गेम में और आज के दिन और तगड़ा प्रॉफिट करते हैं, और सोच रहा हूं आज बड़ा लोन उठा लूं जिससे कि अपनी रेंच एक बार में तगड़ी हो जाए। लेट्स गो। ओके, तो अभी अपन अपने गेम में आ चुके हैं और यहाँ पे अपनी फार्मिंग हो रखी है। यहाँ पे भाई मेरे को बहुत सारे प्लैंक लाने, तभी मैं अपने और फार्मिंग बिजनेस बढ़ा सकूंगा। ताकि इनको किस चीज की जरूरत है भाई? ओके, अच्छा ग्रोथ हो रही है, ये ग्रो होने वाला है पूरा। इसमें पानी की जरूरत है, पानी कहाँ है? पानी दे दूं? अरे मैं आती फार्मिंग पे लग जाता हूं, देख रहे हो तुम, इतना अच्छा आदमी। पानी है, पानी, अरे ये तो शिट है गाइस, पानी फिर खत्म हो गया है। और मेरे पास कितने रुपए इस टाइम? 170 रुपए भाई, और 80 रुपए सिर्फ लोन के। और मेरे पिगी, ओहो हेलो बाबू, क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ मेरे पास आओ, थोड़ा सहर करा के लाऊं तुम्हें। सही बता रहा हूँ क्या? सही लग रही है, देखना ये देखो, पास में आ गई भाई मेरे। चलो अभी अपन काम करते हैं भाई, इनके लिए खाना पीना लाना है वरना ये साले भूखे मरेंगे। और ये अपनी मेल कर रहा हूँ मैं, हाँ फीमेल पिगी है जो कि वापस से प्रेग्नेंट है और बच्चे देने वाली है। इससे पहले भाई मैंने कम से कम 15 मिनट वेट करा होगा, मैं यूं खड़ा था बस इसके पास, और इसने एकदम से बच्चे कर दिए, लेकिन वो चीज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अरे कराऊंगा, इस बार करेंगे भाई, इस बार करेंगे। जब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है ना, इसका कुछ जुगाड़ करते हैं जिससे कि मुझे पानी इसमें नहीं डालना पड़ेगा पेड़ों में। तो मुझे बनानी पड़ेगी उसके लिए विंड मील, ठीक है? विंड मील कहाँ मिलेगी? विंड मील के लिए ना बहुत सारे आइटम लाने पड़ेंगे। और ये एक सेकंड, अरे कुएं में गाइस, क्या अगर मैं ये बना दूं तो खाना पीना सब आता रहेगा, मतलब पानी आता रहेगा यहाँ से? ये अगर मैं बना दूं, यहाँ बनाया जाए कि कहाँ बनाया जाए? एक सेकंड यार रुको, ये चीज है ना, यहाँ नहीं बना रहा मैं, इसको मैं बनाऊंगा, इसको मैं बनाऊंगा। देखो मैं सोच रहा हूँ जो ये बान हाउस है ना, मेरे को और बनाने पड़ेंगे, वो कम पड़ेगा ये एक बान हाउस, तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो ऐसे सर्कल में तो यहाँ पे बान हाउस आ जाएंगे। यहाँ फार्मिंग चल रही है तो इधर किधर अपने को वेल बनाना चाहिए कहीं ना कहीं, तो वेल बनाते थोड़ा सा दूर, ठीक है? जैसे जंगलों में होता है ना वेल, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऐसे इस वेल को बना देते हैं यहाँ पे ऐसे। बाद में तोड़ देंगे शायद, अपन तोड़ सकते हैं कि नहीं इससे? अगर ये टूट सकता है कि, एक बार ये देखते हैं, अगर ये टूट सकेगा तो सब, ओ तोड़ सकते हैं, ये देखो डिस्ट्रॉय, ठीक है? चलो भाई ठीक, मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको अभी मुझे लगाना पानी और फर्टिलाइजर, जो कि पानी शायद ये वाली बकेट है, ये खत्म हो गई ना। अरे इनका क्या करूं, ये क्या भरते रहेंगे ऐसे, तो कचरा हो जाएगा मेरे यहाँ। इसमें ये शायद नहीं लाया था मैं, हाँ इसमें पानी है ना, ये भर रहा है। चलो ये जल्दी से भर जाए, तो इन सब में पानी डालूं, उसके बाद 170 रुपए खर्च करने चलेंगे। बहुत सारे रुपए भाई, आज के दिन इतना पैसा है मेरे पास, क्या ही बताओ तुम लोगों को। बाकी अभी क्रॉप उग जाएगी तो और पैसा आ जाएगा। ओके सब में, अरे फिर पानी खत्म हो गया, बताओ कितना पानी लेते हैं भाई, कितना? और पता है इससे पिछली बार मैंने ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया था ना, तो वो भी गलत किया था, ज्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं डालना है मेरे को। ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से क्या होता है, अरे इसको अंदर रख सकते हैं अपने यहाँ पे, क्या यहाँ मधुमक्खी आएंगी? मैंने वहां रख दिया भाई, देखते हैं। ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से भी भाई कम टमाटर निकलते हैं, तो ज्यादा नहीं डालने का। लो 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 पानी दो, अभी के लिए पानी दो, इसमें पानी डालो, इसमें पानी डालो, सब में पानी मैंने फुल कर दिया है। अभी अंदर डालता हूँ बचा हुआ पानी, या फिर इसको और भर लेता हूँ ना। बाकी चारा पड़ा है मेरे पास, चारा अंदर खत्म हुआ क्या? चारा देख के आने दो, चारा हटो रे हटो, कितना है इसके अंदर? 8 ही है, चलो इसको भर देता हूँ मैं, चारे को 15 हो गया अभी। अरे यार इनकी शिट भी साफ करनी होती है मेरे को, लेकिन मैं एक क्या कह रहा हूँ, कंपोस्टर ले आता हूँ, जिससे अपने को क्या फायदा होगा ना, कंपोस्टर से अपन इन सब चीजों को फर्टिलाइज कर सकेंगे, मतलब फर्टिलाइजर बना सकेंगे। जो इनकी शिट है ना, शिट इसको अपन डालेंगे कंपोस्टर में और वो फर्टिलाइजर बन जाएगा। देखो तुम, जादू दिखाऊंगा मैं तुम्हें अभी, रुको पहले ये पानी को डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। कितना है पानी? पानी खूब रहता है भाई, पानी कम पीते हैं सालो, पानी पिया करो, डिहाइड्रेट हो जाओगे, पानी पियो, पानी रिमाइंडर। हाँ अभी मैं इसको और भर लेता हूँ बकेट को, अभी मुझे देख के आनी मेरी क्या कहते हैं, अरे मुर्गिया क्या कर रही है भाई, मुर्गिया बड़ी दूर है, मुर्गियों को भी इधर लाऊंगा आज के एपिसोड में, मुर्गियों को भी इधर लाऊंगा, ठीक है? बस मेरा घर इतनी दूर रहेगा, मेरे यार फार्मिंग एरिया अलग होना चाहिए, घर अलग होना चाहिए, इसलिए मैंने कर रखा है सारा काम। हाँ भाई क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही, खाना खत्म है, खाना खूब पड़ा सालो, झूठ बोलते हो, इसमें पानी पड़ा है, उसमें खाना पड़ा है, बस और क्या चाहिए तुम्हें जीवन में, यही तो चाहिए तुमको। लेकिन अंडे तुम देते नहीं हो, बड़े लोग हो तुम, अंडे थोड़ी दोगे सालो, अंडे दे दो, कहाँ है तुम्हारा? एक अंडा नहीं दिख रहा है भाई कहीं पे, क्या कर रही मुर्गी क्या कर रही है तुम मुझे बता, इधर देख क्या कर रही है? अंडा दे गर्दन दबा दूंगा। चलो इसमें देखता हूँ इसमें कुछ है तो नहीं, मेरे को प्लैंक काटने फिर बहुत सारे। अच्छा इसमें कुछ नहीं है, इसको लेके वहीं चल लेंगे बाद में। मैं लेके आता हूँ बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके, ठीक है? लकड़ियों को काटेंगे, इसको रखो इधर। और भाई मेरे को प्रीडेटर्स मारने, मेरे को समझ में नहीं आ रही कहाँ मिलेंगे भाई प्रीडेटर्स। बाकी गाइस इसके अंदर ये कुछ
सीख सी उग गई है, ग्रेप्स उगाए थे ना इसमें मैंने, हाँ ये देखना ऐसी सीख सी उग गई है, इसमें नहीं होगी अभी, इसमें उगेगी। उसमें 27% हो गया, इसमें 24% ही हुआ है। देखते भाई मस्त हो रहे हैं धीरे धीरे करके। और अरे गाइज ये देखो, ये अब समझ में, इससे पहले मेरे को टमाटर कम कैसे मिले, मैंने ज्यादा फर्टिलाइजर देके मार दिए पेड़ों को, ये इसलिए नहीं उग रहे हैं। ये देखो दूर से देखो पता पड़ेगा, कुछ हरे कुछ खराब हो रखे। ये देखो ये वाला खराब हो गया जैसे कि, तो इसको मैं हटा दूं और ये हट गया, ये पेड़ यहाँ से हट गया है। और इसके बाद ये दोनों पेड़ खराब हो रखे हैं, ये दोनों उग नहीं रहे ना जब से देखे तुमने, इसलिए नहीं उग रहे। तभी मैं सोचू यार ये पेड़ उग नहीं रहे, क्यों नहीं उग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है। चलो अभी ठीक है, ये सब ग्रोथ कर रहे हैं, इनके अंदर फर्टिलाइजर और डाल देना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डाल देता हूँ। जिसमें बिल्कुल कम है ना उसमें डाल देता हूँ, इसमें बिल्कुल कम है। अरे 100% हो जाता है, एक तो भरत में भी 100% हो गया, इसमें भी कम है, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, ठीक है इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। चलो मैंने सब में फर्टिलाइजर डाल दिया है, और इसमें दोबारा नहीं डाल रहा कि नहीं तो मर मुरा जाएंगे भाई, 100% होने वाले हैं बस। और ये देखो 100% हो गए, और यहाँ पे आ गए टमाटर अपने, इनको ले लेता हूँ। रुक जाओ, इस बॉक्स के अंदर मैंने वो रख रखा है जादू टोने के लिए, इसको लो, ठीक है इससे उठाओ, इससे उठाओ, इसको रखो यहाँ, और फर्टिलाइजर अभी पड़ा हुआ है तो ये अपने आप वापस ग्रोथ होती जाएगी। जैसे ही सब में उग जाएंगे मैं सब इकट्ठे करके एक साथ बेच के आ जाऊंगा। जब तक मैं क्या करता हूँ, इस गाड़ी को लेता हूँ और वुड इकट्ठी करना चालू करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, यहाँ की वुड इकट्ठी करूंगा। चलो और गाइस मैं ट्रीज भी ला सकता हूँ, पता है उसके अंदर ट्री वाला ऑप्शन था ना, शायद यही वाले ट्री उगेंगे उसके अंदर भी, मेरे को पता नहीं है ढंग से, लेकिन हाँ एक जगह पे बहुत सारे, जैसे ये इतने सारे ट्री है ना इस जगह पे, ऐसे बहुत सारे ट्रीज काट काट के एक जगह से मैं एक साथ कलेक्ट कर पाऊंगा, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि मैं ट्रीज ले आऊं और उगाऊं यहाँ पे। बट अभी के लिए तो इसी में काम चलाते हैं भाई, बाकी बारिश आ चुकी है लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, तो काम करते हैं। धनाधन 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7 और ये 15। चलो भाई अभी मैंने अपनी पूरी रिक्शा भर दी है, इसको लेके चलते हैं फटाफट से अपने, क्या कहते हैं, लेके चलना था, अरे हाँ काटने लेके चलना था। फिर मेरे को कॉन्क्रीट भी लानी पड़ेगी, क्योंकि ये मैं कुआं बनाने वाला हूँ, जिससे कि मुझे पानी खरीद के नहीं लाना पड़ेगा 30-30 रुपए का भाई हर बार, क्योंकि पानी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। इसको लगाते हैं यहाँ पे और इनको उतारना चालू करते हैं, और ये सारे उतर गए। चलो भाई इसको चलाओ, यहाँ पे रखो, ये काट के मिलता हूँ भाई तुम लोगों से, धीरे धीरे सारी काट लेता हूँ। और यहाँ पे मुर्गियां पता नहीं, अरे लो भाई लो लो, बंद करो बंद करो, दरवाजा बंद करो। अरे नहीं खाना तो तुम्हारा बाहर रखा है, लेकिन अंदर रहो, लेकिन अंदर रहो तुम लोग, लेकिन खाना खाना हो तो बाहर से खा लेना, ठीक है समझ में आ रही। अरे नहीं मिक्सी चल रही है मेरी, रुक जाओ मिक्सी में डालो, काटते जाओ काटते जाओ। अबे हिरन मिल गया, अरे गाइज गाइज आई गॉट समथिंग, भागा भागा आराम कर भागा, पता नहीं कहां से पता पड़ जाता है इनको। ताले रीलोड कर ले, दुनिया लगा देता है रीलोड करने में। मरानी रामखोर मरानी मर गया, पकड़ो मेरी, अरे मशीन चल रही होगी जल्दी, पहले वहां भागो, उसको तो मार दिया मैंने, भागो। अरे गाइज मेरी बहुत सारी वुड कट गई थी, मेरे को बीच में एक हिरन दिखा, हिरन मार दिया मैंने, ठीक है। हां चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने दो, उस हिरन को बाद में लेके आएंगे। आ गया पैसा, आ गया भाई पैसा आ गया, 45 रुपए तो वहां से आ गया शायद है, बाकी वुड वुड से कॉन्क्रीट लाना है, कॉन्क्रीट के लिए पैसा है मेरे पास। अरे फ्यूल खत्म हो गया, लो कर लो बात, इसको करो अभी फ्यूल टैंक हटाओ, इसको रखो यहाँ पे। चलो भाई यार ऐसी मशीनें और नहीं ला सकते क्या यार, ये मशीनें देखूंगा और ला सकते होंगे, जिससे क्या होगा मैं 3-4-4-5 जगह एक साथ लगा दूंगा। आवाज किसकी आ रही है? अच्छा अरे मुर्गियों की आवाज आ रही है, बताओ कोई बात है। ये मशीनें भी शायद हार्डवेयर स्टोर पे मिलनी चाहिए, क्योंकि 3-4 होना तो सोचो कितनी जल्दी जल्दी काम हो। अभी जितनी देर में ये चल रहा है उतनी देर में 4 में लगा दूं मैं ये वुड। हाँ यार ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं, नाइस आइडिया गाइज नाइस आइडिया। रुक जाओ अभी देख के आऊंगा, कॉन्क्रीट लेके आऊंगा ना जब साथ के साथ, देख के आऊंगा ये वुड यहीं पड़े रहने देता हूँ, डायरेक्ट हार्डवेयर स्टोर चलते हैं, कॉन्क्रीट लेके आते हैं, कितना कॉन्क्रीट चाहिए वो मैं देख लेता हूँ अभी। इसको लगाओ यहाँ पे, अरे जल्दी हट जाना भाई बहुत देर लगाती है तू एक तो। चलो इसको करो बस, अभी मैं चलता हूँ और इस गाड़ी को लेके चलते हैं, ये भी बाद में उठाएंगे भाई, इनको लेके चलता हूँ पहले मैं वेल पे। वेल, अरे यार वेल को तो मैं वहीं से देख सकता था, छोड़ो इसको छोड़ो गाइस, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट उसको कलेक्ट करने। किधर मारा था मैंने, अरे किधर मार दिया मैंने लौंडा ये रहा। हेलो बर्डी आई एम सॉरी, इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ। चलो भाई अभी मेरे को देखने दो कितना सामान लगता है, 20 कॉन्क्रीट लगता है, ठीक है, और प्लैंक तो 6 ही लगते हैं, क्या बात है, मैंने इतने सारे प्लैंक काट दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाड़ी गोल घुमाओ, 6 प्लैंक लगते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं, 6 प्लैंक तो मैं यहाँ से उठा के ले ही चलता हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी जितने एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं ये मैंने उठा ली 6 प्लैंक से ज्यादा। अब इस गाड़ी को उठाओ और अब चलते हैं जनरल स्टोर, उसके बाद चलेंगे अपन हार्डवेयर स्टोर, सारा काम करके आएंगे, ठीक है। जब तक इसको मैं लगा चलता हूँ इसके अंदर, रुक दो यहाँ, हो गया काम भाई, अपना आज का कुआ बनने वाला है, लेकिन इसमें बकेट डालनी पड़ती होगी ना, ठीक है एक बकेट भी ले आऊंगा, 8 रुपए की आती शायद, हाँ यही से ले लूंगा मैं, जनरल स्टोर पे मिलती है वो, बाबू जनरल स्टोर। अरे हट जा साड़ी, गाड़ी लगा देते एक तो मुंह के सामने, मेरे को गाड़ी पसंद नहीं है बिल्कुल। हाँ गाड़ी मत लगा देना, जब तक मेरे पास ऑटो रिक्शा है जब तक मुझे गाड़ी पसंद नहीं है, जिस दिन ऑटो रिक्शा गया मेरे हाथ से उस दिन मेरे को गाड़ी पसंद आ जाएगी, बस सीधी बात। हाँ भाई, अरे मैडम अंदर लाइट वाइट जला लो थोड़ी सी, सेल करते हैं मीट को 45 रुपीज, तो ये आ गए। अब चलते हैं बाय में और नीचे चलो, थोड़ी सी बकेट ही है, ठीक है स्टील बकेट है, स्मॉल बकेट नहीं लेते अपन, बड़ी बकेट लेंगे, एड टू कार्ट, ठीक है। इसके बाद अपने को लेने का है ये ट्री, देखे
देखें अब इस ट्री को कैसे उगेगा, ट्री सीडिंग, पता नहीं भाई कितने सीड आएंगे इसके अंदर। 215 रुपए, ठीक है। मेरे को एक चीज लेनी थी यहाँ से, क्या लेना था, कुछ नहीं लेना था, लेकिन मैं बैग ऑफ वीट ऐड कर लेता हूँ। 268 का बिल बैठा अपना, लेकिन यार अपना वहां पे कॉन्क्रीट का कितने का बिल बैठेगा ये नहीं पता मेरे को। कॉन्क्रीट महंगा तो नहीं आता ना। अबे अंधेरा कैसे हो गया यार, तुमने शिट कर दी फिर से, वही बात हो गई ना, जल्दी अंधेरा करके सालो। तुम ऐसे इस बकेट को रखो यहाँ पे, बैठो गाड़ी में, अभी चल रहा हूँ मैं डायरेक्ट हार्डवेयर स्टोर, मैप में लगाओ मार्क और इधर जाना है। चलो भाई, पहाड़ों के ऊपर पहाड़ों के पार, देखो कौन आया मेरा निंजा थोड़ी यार, ऐसे कुछ तो गाना होता है। अरे लो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, मेरे को लगा ही था। लो कर लो कर लो, लेकिन हार्डवेयर स्टोर तो मैं जा के रहूंगा। देखो 150 मीटर बचा है बस, लाइट मैंने जला ली और गाड़ी पलट चुकी है गाइस, अंधेरी में गाड़ी पलटी, कल की न्यूज खबर खबर दे रहा था गाइस। कुछ दिखा मेरे को, कुछ दिखा की भैंस की आंख कहां गया, अबे इतने अंधेरे में और दिखा है भाई, जंगलों में जा रहा हूँ मैं, आग हुआ जाएगा कोई, रहने देता हूँ भाई। चुपचाप है ना, गाड़ी में चल लो, दिक्कत हो जाएगी वरना। भाई क्यों जा रहा हूँ इतनी रात में मैं हार्डवेयर स्टोर, मुझे नहीं पता इधर कोई दिखा मेरे को। अरे रात में हॉरर ज्यादा लगता है ये गेम भाई, ऐसे मत करो, हॉरर गेम खेल रहा हूँ गाइस मैं, हॉरर गेम, डोंट टॉक टू मी नाउ, हट जाओ हट जाओ। ये सालों ने रस्ते भी तो ढंग के नहीं बना रखे, क्यों बहुत बड़ा हाईवे है ये, क्यों लगाया है इस? देख देख गाड़ी नहीं चल रही, ओ फंस गई गाड़ी, नहीं नहीं चल रही। अभी हार्डवेयर स्टोर वाला भी पीछे से देगा सामान, सब लोग को पीछे से लेने की देने की आदत है पता नहीं क्यों। चलते रहो, गाड़ी लगाओ जोर से। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, अच्छा ये दो वो रखे हैं, हटो यहाँ पे जाने का है मेरे को गेट में। ओ अबे बंद है, अच्छा नहीं चालू है, चालू है भाई चालू है। कॉन्क्रीट किधर है अभी बताओ। हाँ कॉन्क्रीट 50 kg और कॉन्क्रीट 5 kg, कितने इसमें भाई, अभी कैसे पता पड़ेगा यार इसमें कितने कॉन्क्रीट आता है कितना नहीं आता, ये तो गलत सीन हो गया मेरे। और गाइस ये रही वो टेबल जिसमें अपन सामान काटते, मिल गया भाई मिल गया, लग्जरी टेबल। इसमें क्या होता है, लग्जरी टेबल में क्या होता है, स्मॉल ट्रेलर भाई यहाँ पे है ना, अच्छी चीजें तो यहाँ से लेके चलेंगे चीजें। बाकी बकेट वगैरह तो ये भी दे रहा है फायर वर्क, ठीक है भाई अभी के लिए तो मेरे यही काम में आएगा, तो ये मैं ले लेता हूँ 100 रुपए के, तो अच्छा खासा आ जाना चाहिए भाई। बाकी ये लेनी है, अगली बार लूंगा जब पैसा हो जाएगा मेरे पास। एक शवल नहीं है मेरे, शवल ले लेता हूँ और इसको करता हूँ चेकआउट। अब ये सामान मिल जाए बस बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कहाँ फेंका इन लोगों ने, ठीक है एक तो ये रहा। ये कितने लिए थे मैंने, 25 ओ भाइयों ने मेरी इसके ऊपर ही फेंक रखे, दो आ गए 25 50, ठीक है 4 आए होंगे। ये अगला, इसके बाद ये, और एक ये है, ये ले ली, और कुछ थोड़ी लिया था, ठीक है मैंने कहा सारा सामान रख लिया है, चलते हैं यही जाए, यही रखा रहेगा सामान, कहीं जाना तो है नहीं क्योंकि इस दुनिया में मैं ही हूँ अकेला। अभी चलते हैं फटाफट से, अरे गाड़ी टेढ़ी हो जाती मेरी जब देखो, जब पहले मार्क करने दो, पहले मार्क करने दो वरना दिक्कत हो जाएगी, पोते के बगीचे जाना, यहाँ है मेरा बगीचा। कोई गाड़ी जा रही है रात में, किडनैपिंग में नहीं भाई, भाई दिन हो गया क्या, इतनी सारी भीड़ कैसे रात में, कहाँ जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, अरे कहाँ जा रहा तू। अरे यार मैं भी कर सकता हूँ फिर तो रात में काम, मेरे को लगता था सिर्फ ये क्या कहते हैं रात में कोई काम नहीं करता यहाँ पे, अकेला मैं काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सब काम कर रहे हैं देख रहे हो तुम। रात में भी काम करूंगा, ऐसा धंधा बढ़ाऊंगा ना जोर से भाई। बारिश आती है जब ज्यादा हॉरर लगता है, अभी हॉरर नहीं लग रहा देख रहे हो तुम, अभी कितना आराम से जा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। हट जाओ पहले, तुम लोग हट जाओ, पेड़ बहुत है भैंस की, इधर जाना है मेरे को, इधर जाना, पहले सोऊंगा मैं, पहले सोऊंगा मन भर के सोऊंगा जितना सोना चाहूँ। चलो भाई गुड नाइट गाइज, और कल के दिन वापस रुपए कटने वाले हैं, लेकिन बस एक बार और कटेंगे, आज भी कट गए पैसे, अब एक बार और कटेंगे बस, फिर लोन अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं लेने वाला हूँ एक बहुत बड़ा लोन जिससे मैं काउज वगैरह खरीद के लाऊंगा, वो देखी जाएगी भाई उसी टाइम पे। अभी मैं कॉन्क्रीट ले आया हूँ, मेरे को ये बताओ तुम्हें करना क्या है इस कॉन्क्रीट का, इधर कॉन्क्रीट उठा, अब 5, अच्छा 5 है इसके अंदर और ये 20 ले रहा है। ओके भाई बराबर लाया हूँ मैं, देख रहे हो तुम कितना बराबर लाया हूँ, अगर एक भी कम हो जाता ना ये वेल नहीं बन पाता, और अभी बन गया है भाई। अभी E2 स्टार्ट, क्या करना, कुछ भी तो नहीं हो रहा, बकेट वगैरह लगानी पड़ेगी क्या इसमें, ला दियो इधर। हाँ ये बकेट लगाई और ये गया नीचे, पानी तो इसमें यही है, ऊपर तक आ रखा है पानी, इतनी माता फोड़ी करने की क्या जरूरत, और ये आ रहा पानी, आ रहा है पानी, आ रहा है और पानी आ गया। अब इसको ले लूं, कितना पानी है इसके अंदर कोई बताएगा, इसमें भर सकता हूं, इसमें नहीं भर सकता यार, अलग अलग से बकेट रखनी पड़ेगी मेरे पास इसका मतलब। कोई बात नहीं भाई, पानी तो इसमें खूब सारा आ जाएगा, लेकिन क्योंकि शायद वो वुडन बकेट से तो बड़ी होनी चाहिए ये बकेट, अगर उससे बड़ी नहीं है तो फिर भाई क्या ही मतलब है, लेकिन आई थिंक सो ये बड़ी है बकेट, तो इसमें पानी डालो, इसमें पानी डालो, इसमें पानी डालो, और खत्म हो गया। लो भाई यार ये तो गलत सीन हो गया यार, लाना ही पड़ेगा मेरे को वो ड्रम लाना पड़ेगा, उससे ना जल्दी भर जाता है, वैसे इससे भी जल्दी भर रहा है, उससे भी तो भरना ही पड़ता है, इससे भी भर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसी से भर लेंगे। वैसे कितना इसके अंदर, 7 ही आ रहा है, उसमें भी 7 ही आता है साला। चलो ठीक है देखते हैं, इसको लगा सकते हैं क्या अपन इसके अंदर, हाँ इसको भी लगा सकते हैं, देख रहे हो तुम, अरे वो भरी हुई है साले पागल है क्या तू, थोड़ा सा देख देख देख, नौटंकी 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 फालतू की। चलो भाई अभी मैं यहाँ
से कलेक्ट कर लेता हूँ जितने भी पोटेटोज हुए अपने, पोटेटो दे दो, पोटेटो दे दो, पोटेटो। अरे फिर एक पेड़ निकल लिया मेरा, कोई बात है ही? फिर एक पेड़ निकल लिया है मेरा, इन्हें वापस। ये एक और पेड़ निकल गया भाई। यार इसमें ज्यादा डाल रहा हूँ क्या फर्टिलाइजर, क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यार। ये लो मैंने उठा दिया है, इसको उठाते हैं, इसको इधर रखते हैं। और अपने ग्रेप्स उग रहे हैं भाई, सबसे बड़ी बात तो ये ग्रेप्स को जान दो। और ये बहुत टाइम लगा रहे उगने में, अच्छा होगा अगर ये जल्दी से मरे नहीं पेड़। ये तो मर जाते हैं तो इनको तो वापस लगाते हैं। चलो भाई ये खोलो दरवाजा, इसको करो बंद। ये ग्रेप्स रखे यहाँ पे, वो वाले कहाँ है यार? कंपोस्टर लाना है, बहुत टट्टी कर रखी इन लोगों ने। हट जाओ, ग्रेप्स ही लगा देता हूँ इनमें, और तो क्या करूँ। इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, और इसमें लग जा सिमशिम। अरे सिमशिम हो गया इसमें लग। चलो भाई लग गए, अभी कितने पड़े ग्रेप्स? एक पड़ा हुआ है, कोई सा एक पेड़ मरेगा उसमें और लगा दूंगा। अभी सब में मुझे पानी लगाना पड़ेगा, पहले पानी लगाओ, पानी लगाओ, ठीक है? पानी पानी ले लो पानी। सब में पानी लगा दिया है। अभी फर्टिलाइजर की तरह मेरा फर्टिलाइजर दे दियो, इसमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें डालना है। एक एक बार ही डालूंगा भाई सब में, ठीक है? एक बार पूरी ग्रोथ होती फिर नहीं डालूंगा। इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। चलो अभी सब में डाला हुआ है, मैं और नहीं डालने वाला हूँ किसी में भी। इसमें नहीं है, डाल दूंगा इनमें, मैं डाल देता हूँ। डाल दिया भाई, डाल दिया। चलो अभी फटाफट से ग्रेप्स दे दो यार, तुम क्या कर रहे हो? 50% भी नहीं उगे हो तुम पूरे, और बारिश आती है इतनी दिन भर की, पता नहीं तभी नहीं उग रहे भाई ये पेड़, गल जाते होंगे। हाँ अभी मेरे को विंड मिल बनानी थी, मैंने पता नहीं वेल बना दिया। विंड मिल के लिए ढूंढ रहा था मैं, यहाँ वेल दिख गया मेरे को। चलो अभी मुझे विंड मिल बनाना, मेटल 150 मेटल कहाँ से लाऊं बताओ? कोई बात, मैं तो कह रहा हूँ बान हाउस के स्ट्रक्चर बनाना चालू करते हैं। और आज के दिन मेरे पास -15 रुपए हैं। अरे नहीं, आज के दिन मुझे रुपए कमाने पड़ेंगे थोड़ी सी बहुत। अरे तुम छोटे 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 ही रह जाओगे क्या? क्या चक्कर है तुम्हारा? इधर आइयो छोटू, इधर छोटू, तू बड़ा क्यों नहीं हो रहा? खाना खाए, इधर आइयो। अरे कुछ बड़े हो गए, कुछ नहीं हुए, देख रहे हो तुम कुछ? अरे दादी अम्मा, दादी अम्मा, तुमने बच्चे दे दिए क्या दोबारा से? कहाँ गई दादी? अरे अरे ये बच्चे दे दिए दोबारा से, इतने देखो छोटे छोटे, यही है यही है भाई, इसने बच्चे दे दिए। ये देखो इनसे भी पिद्दी पिद्दी हुए थे, ये थोड़े से बड़े हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बड़े हो, बड़े नहीं हुए, मतलब इतने पैदा हुए थे। 6 पैदा होते हैं एक साथ, देखो 6 हुए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5। ये रहा, ये रहा एक नया एकदम, 5 5 ही करे क्या इस बार इसने? क्या बता भाई, गिनने में क्या दिक्कत हो रही हो? या फिर एक ये बड़ा हो गया है, क्योंकि बड़े तो हो रहे हैं। देखो ये कितना बड़े हो गए हैं, ये देखना ये कितने बड़े बड़े हो गए। सही है भाई, अपने पास वापस बच्चे आ गए, लेकिन अब ये प्रेग्नेंट नहीं है क्योंकि इसके बराबर का कोई है ही नहीं। अरे ये प्रेग्नेंट है जी, है जी, बच्चा प्रेग्नेंट हो गया क्या? क्योंकि मैं देखो फीमेल पिक तो लाया ही नहीं, मैं मेल पिक को ही मारता था और मेल पिक ही और ले आता था। ठीक है भाई, मजा आ गया फिर तो। क्या एक प्रेग्नेंट हो गया ना, वो तू बच्चे करे जा रही है क्या अभी तक भी? क्या चक्कर है तेरा भाई? ये वापस प्रेग्नेंट कैसे होगी? अपने आप हो जाएगी। अरे तुम लोग क्यों अड़ रहे हो? तू इधर आ, जरा साले मोटे भालू, तू इधर आ। चलो भाई शांति से घूमो ना तुम भाई। ये देखो ये अभी नए बच्चे हुए, ये छोटे छोटे से। सही है, मजा आ गया भाई। यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो 3 ये रहे और 3 ये रहे, 6 हो गए ना, पूरे पूरे 6 हो गए। चलो भाई लेट्स गो, अपने पास बहुत सारे पीज हो चुके हैं, इन सबको एकदम फुल बड़ा हो जान देते हैं और फिर उसके बाद इनको, अरे यार खाना बहुत खाएंगे लेकिन ये, उसके बाद इनको काट के बेच देंगे। लेकिन एक सेकंड, हटे हट जा भाई, खाना बहुत खाएंगे तीनों। देखो देखो देखो, खाना इतना जबरदस्त खाएंगे ना अभी ये, मेरे को खाना लेके आना पड़ेगा। देखो जब क्रॉप कितनी हो गई, क्रॉप बेचाऊं क्या? 24 क्रॉप्स हो गई हैं, शायद मैं बेच सकता हूँ। और कोई सी तो उग नहीं रही है अभी, इतनी जल्दी उगेगी भी नहीं। ये दोनों उगने वाले हैं, लेकिन ठीक है मैं इसको बेचाऊंगा। इसको उठाओ और इसको रखो यहाँ पे। अच्छा खाना ले तो आया था मैं, इसको रखो यहाँ, इसको उठाओ, इसको करो बंद। और भाई खाना खाने आ रखे हैं सब लोग, क्या बात है? अरे हटो तो सही, खाना तो डालने दो, मालिक को नहीं आने दोगे? बुद्धी लाल कर देगा मालिक तुम्हारी। चलो खाना डाल, धक्का दे रही भाई बकरी, धक्का जाने नहीं दे रही। अब क्या करूं, अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ? अरे जाने तो दो। अरे भाई ज्यादा भीड़ हो गई, रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को बनाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। अरे हट जाओगे थोड़े से? ले आराम खोर लोग भाई, बना आज ही बनाना पड़ेगा, रुक जाओ। इसको कर बंद, अभी मैं लेके आता हूँ एक नई स्टक, बान बान फ्रंट सेक्शन, ठीक है? अब मैं कहाँ बनाऊ? देखो एक दूसरा यहाँ बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे ऐसे करके बन जाएंगे यार, सही लगेंगे। एक तो सीधा बना दूं, ठीक है भाई? दूसरा मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक बनेगा यहाँ, आप देखने दो मेरे को पहले तो, क्या कहते हैं कितनी दूर कितना पास। अरे यार थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है ना ये, तभी तो दिक्कत है भाई, आड़ा टेढ़ा बन रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर टेढ़ा बनना ही है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बनाता हूँ थोड़ा सा और टेढ़ा ऐसे यहाँ पे। अभी अभी नहीं, अभी ठीक है शायद, अभी ठीक है रुको। हाँ देखो अब ये एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बनेगा, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे टेढ़े टेढ़े करके बना दूंगा, ठीक है? चलो अब मैं अगला पार्ट जोड़ता हूँ इसके मिडल सेक्शन, ये रहा ना, ये जोड़ दिया मैंने मिडल सेक्शन। इसके बाद मेरे को जोड़ना है बैक वाला पार्ट। बैक वाला पार्ट कैसे आएगा? ये आ गया बैक वाला पार्ट। इसके बाद मेरे को अंदर के कुछ डोर्स लगाने हैं, 1, 2, और इसके बाद मुझे लगाना है बड़ा वाला गेट। अरे नहीं दो चीजें अभी, एक तो मेन गेट ये है ना, और एक ये वाली चीज ये लगेगी यहाँ। चलो भाई अभी मैंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, बस इसके अंदर वुड वगैरह लाके डालनी है। उससे पहले मैं अपना फार्मिंग वाला बेस बड़ा करूंगा, क्योंकि भाई पैसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले। इन सबको तो एक ही में मैं पाल पोस लूंगा उस दिन तो। और भाई प्रीडेटर्स में कैसे मारूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक नहीं दिख रहा मुझे। अब क्या बड़े बड़े जंगलों में घूमने जाऊं? ये देखना, ये देखना, ये देखना इनकी हरकत, देखना कहां बैठे हैं, कहां बैठे। खाना खाओ सालो और अंडा दो। अंडा दे दिया इनने, 2-3 अंडे दिए, ठीक है इसको रख देते हैं अंदर, बाद में अंडा कलेक्ट कर लेंगे। चलो सारे प्लैंक उठा लेता हूं मैं ये। अरे इसके अंदर एक और वुड रह गई है भाई, ऐसे
ऐसे मत करो मेरी जान। ये उठा, उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ। चल इसको रखेंगे अपन यहाँ पे। कहाँ नीचे गिर जाता है, रखना भाई घटिया आदमी। दूसरा मेरे को ये उठाना है, उठाते जाओ ओए बंद कर इसको, उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ। चल इसको रखना है यहाँ। अगला मेरे को उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते। अरे यार इसमें एक पॉट भी पूरा नहीं होगा, बताओ कोई बात है यार। ऐसे मत करो यार, ये बहुत बहुत प्लैंक लेते हैं यार। प्लैंक खरीद के लाऊं क्या मैं? प्लैंक में पैसा वेस्ट करूं? इतना पैसा ना है मेरे, ठीक है समझ में आ रही थी। यहाँ लगाना है मेरे को प्लैंक, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि प्लैंक भी खरीद के लाऊंगा। चलो एक और पॉट तैयार हो गया। उसके बाद इसमें डालना है 8 और इसमें डालना है 8। लो फिर नहीं बना, कर लो बात, क्या ही करूं बताओ। पहले तो फर्टिलाइजर डालने दो, करेंगे बाद में। सामान वामान इसमें डालो, इसमें भी डालो, इसको रखो यहाँ पे। अरे जादू टोना करना पड़ेगा, जादू टोना करने के लिए वो कहाँ है ये? अबे अरे मेरा कूलर किधर गया? कूलर हेलो बाबू, ये रहा इसके अंदर रख सकता हूँ। उठ पे नहीं रख पा रहा। अच्छा वो भरा हुआ होगा ना, ठीक है। पानी वानी की जरूरत तो नहीं ना किसी को, ठीक है। अभी इसके अंदर लगा के चल जाता हूँ। एक ग्रेप तो है मेरे पास, और ले आऊंगा अभी, जा रहा हूँ सीड्स और ले आऊंगा। इसमें लगाता हूँ, ये लगा दिया मैंने, इसमें लगा दिया, खत्म हो गए। पानी डाल जाऊं, पानी ये रहा मेरे पास इस बकेट में, और फर्टिलाइजर और डाल जाऊं मैं। फर्टिलाइजर कहाँ रखा है ये रहा। अबे खत्म हो जाएगा यार, फर्टिलाइजर कम बचा है मेरे पास, 1% ही बच गया। चलो अभी मैं चल रहा हूँ फटाफट से, इसको बेच के आता हूँ और यार कहीं घने जंगलों में घूम के आता हूँ जिससे मुझे भालू वगैरह दिखे तो सही। भाई भालू वगैरह है ही नहीं इस दुनिया में, पता नहीं कौन खा गया, किसने लुप्त कर दिया। वो हंटर ही ने, हंटर नहीं लुप्त करे होंगे साले ने। अबे अबे क्या कर रहा पागल है। इसको लगाते हैं यहाँ पे। खोलो भाई गेट खोलो, और बताओ कितने का ले रहे हो तुम? चॉइस लेके आए इस बार 144 रुपीज का, देखो 6 रुपए का एक बिक रहा है। सेल करते हैं सबको, और अभी मेरे पास बाय करने के लिए 128 रुपीज आ गए। 128 का तो कुछ आएगा नहीं, या फिर 2 मुर्गी ले लूं क्या? कहते हैं यार मुर्गियों को खाना खिलाने के लिए खाना भी तो, 160 रुपए तो यही हो गए। लो कर लो बात, एक चिकन ले रहा हूँ, दो खाने ले रहा हूँ, ठीक है। चल एक खाना मुर्गी को डलेगा और एक खाना वहां डाल देंगे अपन पिगीज वाले एरिया में। भाई मुर्गी इधर, ये ओए क्या कर रही है तू, पागल है क्या? उड़ेगी यहीं से, उड़ जाएगी एकदम। इसको रखो यहाँ, अभी चलते हैं इनको घर लेके और फिर चलेंगे घने जंगल में भाई, क्योंकि मिशन भी तो पूरा करना है। मिशन कैसे पूरा होगा वरना? अरे पानी तो ले लूं, पानी नहीं है। अरे मुर्गियों के लिए पानी नहीं है, रुक जाओ 2 सेकंड। इधर आए, पानी वाली बकेट बड़ी बकेट लेके चलता हूँ, इसको पूरा भर लेता हूँ। और ये आ गई, चलो भाई मुर्गी इसको शिफ्ट कर ले थोड़ा सा। अरे रख ले यार, तेरा ही पानी है, राम खोर। रख दिया। इन मुर्गियों का घर भी तोड़ना पड़ेगा, इन मुर्गियों को रखूंगा मैं कहीं और। अभी ये देखना कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो सीधी सी बात है, चलो तुम अगर बाहर आए हो, तुम्हारी गुद्दी करूंगा सीधी लाल। वो बाहर गई कहां से यार? लेकिन मुझे ये देखना है, क्योंकि बाहर चले जाएंगे ना फिर बाहर इधर उधर अंडा देंगे यार, मेरे को मिलेंगे नहीं अंडे, क्योंकि यहाँ पे जो अंडे देते हैं वो तो मुझे दिख जाते हैं। एक और ले आया हूँ सालो मुर्गियों में, अंडे कर देना तुम लोग, ठीक है। इसको डालो इसमें। अरे बाहर आओ, तू भी बाहर आ। तू बाहर चलने, अंडा लेने दे मेरे को अभी, ठीक है। अब इन लोगों के लिए खाना तो पड़ा है और यहाँ पे पानी भी पड़ा है, लेकिन फिर भी पानी उठाओ और पानी डालो इसके अंदर, ठीक है। और एक चारा डाल देता हूँ इनके यहाँ पे। यहाँ पे बढ़िया खाते हैं लोग खाना, यहाँ खाते हैं ना तो ज्यादा भी देते हैं अंडे शंडे। अभी चलूंगा घने जंगल में, पहले इनको खाना डाल दूं। एक पेटी और लाओ ना खाना इनके लिए। और ग्रेप सूखे कि नहीं उगरे? ग्रेप सूखने वाले, ग्रेप सूखने वाले हैं भाई, मजा आएगा। बस ग्रेप्स महंगे बिके हैं यार, क्योंकि 6 रुपए का एक टोमेटो बिकता है, मजा नहीं आता। बाकी तुम लोग के क्या हालचाल है भाई? खाना खा के बर्बादी कर रखी होगी तुमने पूरी। हाँ देखना दो रह गया भाई, कितना खाना खाओगे? मत करो ऐसा, मत करो मेरी जान। और तेरा दूध निकाल सकता हूँ क्या मैं यार? इसका दूध और ही मिल्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिल्क करने के लिए भी कुछ तो जुगाड़ देखनी पड़ेगी। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ, पहले तो वो लूं, पहले पेट्रोल खत्म हो जाएगा वरना रास्ते में, आधे रास्ते में। यहाँ पे चलो ठीक है, इसको उठाओ रखो यहाँ, गाड़ी में बैठो। और इस सामने वाले पहाड़ों पे जा रहा हूँ मैं, शायद यही मुझे मिल सकते हैं वो डियर बियर, क्योंकि और तो कहीं मुझे मिल नहीं रहे। चढ़ जा भाई, चढ़ जा पहाड़, चढ़ जा और रोक 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 गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक पहले, धीरे धीरे चला वरना भग जाएंगे सब। और ऊपर चढ़ो, और ऊपर चढ़ो, चढ़ जाओ, चढ़ जा पहाड़, चढ़ जा। अरे रे 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 रे, नहीं चढ़ पा रहा, क्या किया जाएगा इसके ऊपर तो अपन नहीं जा पा रहे। इधर चलते हैं और इधर, अभी ये टूटे टूटे पेड़ है, कोई भी तो नहीं है यार यहाँ पे। कौन है, दिख रहा तुम्हें कोई? भाई कितनी दूर आ गया, कोई सा नहीं है यहाँ पे, कोई सा जानवर नहीं है। अरे क्या कर रही गाड़ी तेरी? कर ले तू खुद ही कर ले, जीवन भर के न कर। ओ हिरन दिख गया मेरे को, तो रिलोड कर मार दिया भाई, एक गोली में मार दिया इसको मैंने। इसके बाद और कौन है यार? भालू वगैरह है ही नहीं यार। चलता हूं भाई इस हिरन के पास, चलता हूं इस हिरन को तो ले, उसके बाद देखेंगे और भालू। वालू गैस स्टेशन की साइड होंगे क्या भालू? देखो इधर की साइड जो है ये भी जंगल बहुत बड़े हैं, ये गैस स्टेशन है इसके पीछे, बट क्या इधर भालू होंगे? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर चलते हैं, रुक 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 गाड़ी रुक आराम से बाबू, बारिश
शुरू हो चुकी है बारिश, गाड़ी अपने आप ढरक रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर कोई भी नहीं मिल रहा है मेरे को। बहुत बड़ा एरिया देख लिया मैंने भाई, इस साइड बारिश बहुत तेज हो रही है भाई, क्या हो रहा है, ऐसे मत करो मेरी जान। बिजली गिर रही है, बिजली गिर रही है, गिर गया मैं, मरूंगा आज मरूंगा। एक और हिरन, मर साले, मर गया मर गया मर गया मर गया। कोई बिजली कड़क रही है यार बहुत तेज, मेरे को डर लग रहा है, देखो सीधी बात है मेरे को डर लग रहा है, ऐसे मत करो, मार के छोड़ोगे, कोई बात नहीं, पैसा कमाना जरूरी है भाई, पैसा कमाना जरूरी है। ये हो गए अपने पूरे पूरे 90 रुपए, समझ में, कितने रुपए हो गए अपने 90 रुपए, जेब बात, पैसा कमाऊं ऐसे पता नहीं पड़े कैसे। और कौन दिख रहा है, कोई दिख रहा है क्या तुम्हें दूर दूर? कोई भी नहीं है भाई, और आगे चलते हैं। दो हिरन, एक मर गया, एक मर गया, एक और, एक और, एक और, ये रहा, मार दिया भाई, कितने सारे हिरन मार दिए मैंने, लेकिन कोई मुझे ना मार दे यहाँ पे, कोई दिख रहा है क्या तुम्हें भाई, कितने सारे हिरन मार दिया आज तो मैंने, मजा आ गया, ऐसे मारे थे, एक और दिन मारे थे भाई, मेरे घर के आसपास ही घूम रहे थे इतने सारे, डर का माहौल बना हुआ है गाइस, डर का माहौल बना हुआ है। एक बार चलते हैं इधर गाड़ी में, गाड़ी में मेरे को सारे फिट करने पड़ेंगे ये लोग, वरना आएंगे नहीं। रुक रुक रुक, गाड़ी रुक, गाड़ी रुक, इसको देख सबसे पहले तो निकाल बाहर, अब इसको फिट करना पड़ेगा एक एक करके, इसको रखो एकदम कोने में, इसको रखो यहाँ यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पे, ठीक है। मैंने दो तो जमा दिए शायद, वो दो है ना, हाँ ये आ गए मेरे पास दो, और ये मतलब एक, इसको रखते हैं यहाँ, ये छोटा सा पीस है, ये इधर आ जाए बस मजा आ जाए। अरे यार नहीं आ रहा, रुक जाओ, इसको इसके ऊपर रख दूं क्या, इसको यहाँ रख देता हूँ, और इसके बाद ये एक बचा है, नहीं छोटे छोटे पीस, मजा आ गया यार, इस हिरन के छोटे छोटे पीस थे, मजा आ गया, सारे जमा दिए मैंने, ये यहाँ पे आ जाएगा, बस वो एक हिरन जमाना है इसके अंदर, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा इसके अंदर, चलो 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 चलो, बस ये तो आराम से आ जाएगा, ये आराम से आ जाएगा, ये पीस भाई क्या सही जमा है, देख रहे हो, चार हिरन रख दिए मैंने इसके अंदर, हाँ इसमें दो नहीं आ पाते थे पूरे, ये दो लास्ट पीस बचा है भाई, इसके लिए नौटंकी मत देना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको जमाता हूँ इसके ऊपर, आएगा नहीं, नौटंकी पूरी देंगे, लो अंधेरा होने लग गया है, ये जम नहीं रहा है, यहाँ रख दे भाई, रख दे रख दे, ओके इसको यहाँ रख दिया, अभी यहाँ आ जाएगा, तो आ जा, आ गया आ गया आ गया, चलो, और मैं पेट्रोल की बाल्टी तो वहीं भुलाया, अरे नहीं रे टॉर्च भी नहीं है मेरे पास, तो ये रही, ये रही, ये रही। नहीं ये नहीं है, कहाँ गई पे, अबे घर नहीं जा पाऊंगा, मजाक वाली बात नहीं है, कहाँ है मेरा पेट्रोल, लो फिट कर दिया, ओके ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया भाई मिल गया, फटाफट चलो, फटाफट चलो घर चलो, वरना कोई मार देगा मेरे को, डर लग रहा है, खूब सारा पैसा कमा लिया मैंने, लाइट दिलाओ, और पोते के बगीचे पे लगा हुआ है मार्क, भागो भागो जोर से भागो, सड़क सड़क पे भागो, कहीं नहीं देख रहा अगल बगल में, घर किसका है, घर किसका है, एक सेकंड, घर किसका है, मैप में, मैप में कुछ नहीं दिखा हुआ, ओए ओए रुक रुक, आराम के पिल्ले रुक, मर गया गाइस, इसको लेके कैसे जाऊं, लेकिन अरे तो शिट नहीं कर दी मैंने थोड़ी सी, एक और हिरन मिला था गाइस मेरे को, एक और हिरन मिला था मैंने मार दिया, हा हा हा, लेकिन इसको लेके कैसे जाऊंगा, अरे ये तो शिट नहीं कर दी मैंने, बड़ा ट्रक लाना चाहिए मेरे को, बड़ा ट्रक भाई, एक तो रख दिया मैंने, एक रख दिया, ये दो पीस नहीं आ पाएंगे किसी भी हालत में, नहीं आ पाएंगे, ओ एक और आ गया यार, एक पीस और बस, एक पीस और, पांच हिरन भैंस की आप पैसा छाप दूंगा, आगे रख जाएगा क्या, अरे आगे भी नहीं रखा जा रहा भाई, ये नहीं रखा जाएगा, मैं मार्क कर लेता हूँ, और तो क्या बोलूं मैं, ठीक है मैप के अंदर, या फिर भाई ये नहीं रखा जा रहा, इसको मैं बीच सड़क पे रख जाता हूँ, बाद में कभी किसी दिन आऊंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा शायद, अभी चलता हूं मैं पोते के बगीचे, भागो हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अरे नहीं गाड़ी पलट गई मेरी, गाड़ी पलट गई मेरी, गाड़ी पलट गई, पेट्रोल है कि मैं घर पहुंच जाऊं, बस पहुंच जाऊं, फिलहाल मैं हूं कहां, ये हार्डवेयर शॉप लग रही है मेरे को, तो मैप में देखने देना, अच्छा बेस्ट बर्गर वाले के यहाँ आ गया हूँ मैं, ठीक है ठीक है ठीक है, पहुंच जाऊंगा घर, पहुंच जाऊंगा बस आ गया मैं घर, आ गया मैं घर, पहुंचने वाला हूँ घर, पहुंचने वाला हूँ घर, पहुंचने वाला हूँ, कोई नहीं रोकेगा मुझे, कोई नहीं रोक, और ये मैं घर आ गया, कितनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी, घर चलो जल्दी चलो, भागो सो जाओ, एंड गुड नाइट गाइज, भाई आज लास्ट लोन कटेगा, और शायद वो कट गया, हाँ कट गया, और अब मेरे पास 1 रुपए का भी लोन नहीं है, 24 रुपए माइनस में चला गया हूँ, जो कि अभी मैं सारा मीट बेच के सही कर दूंगा, चलते भाई, और बारिश नहीं रुकी भाई पूरी रात भर, ये फालतूपन मेरे साथ मत किया करो, बारिश रोक दो एक तो, समझ में आ रही है, चलो भाई इसको लेके चलो, इस गाड़ी को लेके चल रहा हूँ मैं डायरेक्ट वहाँ पे, क्या कहते हैं, अरे नहीं मुझे जाना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा, वरना एक दिक्कत होगी, वो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या दिक्कत होगी, ये सब उग नहीं रहे, चलो तुम मत उगो, तुम्हें ना जिंदगी में कभी मत उगना, तुम कुछ कर ही नहीं पाना जिंदगी में, क्योंकि ये पिगीज का खाना 100% खत्म हो गया होगा, जीरो हो गया होगा, पक्की बात है, जितनी देर में वहां बिता के आया हूँ ना, इतने सारे पिगीज हो गए कि मैं खाना इनको भर भर के रख दू ना, तब भी एक बार में खत्म हो जाएगा सारा खाना, लो मैं यहाँ आ गया हूँ, बस मुझे सारा मीट बेचना है, और ये 200 का तो बिकना चाहिए आराम से, ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई, जल्दी खोलो दरवाजा, इसमें चलो और सेल, सेल पे चलते हैं, और 210 रुपए का बिक रहा है, लेट्स गो, इसको मैंने कर दिया सेल, बाय में चलते हैं, और जितनी की भी हो पा रही है ना, 180 रुपए, 210, अरे नहीं यार 210 क्या, 180 रह गया अपने पास, एक कम करो, 180 रुपए का मैं पूरा वीट खरीद रहा हूँ, और मैं गलत तो नहीं खरीदिया, लेके जा पाऊंगा कि नहीं लेके जा पाऊंगा, इसको उठाओ, उठाओ जल्दी, चलो सारा वीट स्टोर करा दूंगा मैं, इसको उठाओ, इसको रखो यहाँ,
इसको उठाओ, इसको रखो। चलो भाई मैंने सारी वीट जमवा दी है यहाँ पे और देख लो कितनी सारी वीट हो गई है। 6 वीट के पैकेट है और ये एक दिन भी नहीं चलेंगे, 1 या 2 दिन चलेंगे लास्ट, देखना। तो इन सब वीट को मैं उतरवाता हूँ अपने बान हाउस में, जिससे कि वो वीट खा खा के साले मोटे हुए, फिर उनको मैं बेच ला। पहले तो 1-2 मेरे को इसको मैं खाली करके आऊँ, वो भूखे मर रहे होंगे वरना। हटो हटो हटो, देखो मैंने बोला था ना खाली हो गया होगा, पूरा खाली हो गया था, पूरा खाली हो गया था। साले भूखे आदमी, नंगे भूखे लोग हैं भाई। अब मैं इसके अंदर से यहाँ रखवा देता हूँ सारी सबको एक एक करके। रखो, अरे रख दे दो भाई, हट जाओ यहाँ से, सालो मुंह पे आ जाएंगे। इसको रखो यहाँ। चलो भाई मैंने सारे रखवा दिए, अभी एक और को खाली करवा के आ जाता हूँ उसके अंदर, क्योंकि ये जो है जगह इसमें बहुत सारी पड़ी है और ये खाते भी बहुत जल्दी जल्दी। अरे हट जाओ ने, ये देखो 4 रह गया है, अब 11 हो गया वापस से। बाकी पानी खूब पड़ा हुआ है इसके अंदर, पानी रखने की जरूरत नहीं है। बस अब बड़े हो तुम लोग, तो प्रेग्नेंट है गाइस, ये वापस से प्रेग्नेंट हो चुकी है और एक और प्रेग्नेंट है। देखना यहाँ पे एक और प्रेग्नेंट है, एक और जना प्रेग्नेंट है यहाँ पे कोई सा। तो ये है क्या? नहीं ये नहीं है, ये है, ये कोने वाला। अबे दोनों कहाँ गई? एक और पिगी प्रेग्नेंट थी ना, ये रही भाई। अब आएगा मजा हंसली जे बात। और भाई इसका दूध कैसे निकाला जाए? हेलो मैडम, आप दूध बताएंगे दूध कैसे निकालूं मैं आपका? मैं आपको लाया तो इसलिए था कि दूध निकाल सकूं, बाद में देखूंगा। बस करो, अभी मेरे पास कितना पैसा है, मैं कैन ला सकता हूँ क्या? रुक जाओ, 5 रुपए है यार मेरे पास कुल मिला के। ग्रेप्स हो गया तो मैं ग्रेप्स बेचूं भाई, ग्रेप्स देखने आज मेरे को कितने रुपए के बिकते हैं। और इतनी, अरे क्या है इसका, जानी रो रहा है, जानी ने रो रो के समुंदर भर दिए इसी भैंस का लक। मेरा कोई कुआं भर के जाओ। ला भाई इधर पानी दे दे, कुएं में से पानी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर का पानी ले लिया है मैंने। पानी डालो, सब में पानी डालो, इतना इतना पानी डालूंगा जीवन भर का पानी हो जाएगा इनके ऊपर। बारिश आ रही है फिर भी पानी नहीं मिल रहा इनको, उससे पानी मैं डालूंगा तभी शांति मिलेगी। चलो वापस भरने चलो, बकेट वापस भरने आ गया अपना पानी। इसको उठाओ, इसको डालो किसमें। सब में पानी खत्म हो गया क्या? ये क्या चक्कर है, इतना जल्दी पानी मत दिया करो यार, इतना पानी नहीं है मेरे यहाँ पे, तुम ज्यादा पानी पी रहे हो, सीधी सी बात ये है। लाओ फर्टिलाइजर डालने दो मेरे को, इधर दे, इसमें डाल, इसमें डाल, ठीक है। अबे खत्म, कई जानी ने रो रो के समंदर भर दिए। कर दिया, हक दिया भाई, हक दिया, जोर से हक दिया, जितनी जोर से हक सकता था ना उतनी जोर से हक दिया। पैसे नहीं मेरे पे नाम मात्र भी, लेकिन मैंने पूरा फर्टिलाइजर खत्म कर दिया। यूं नहीं उस डब्बे में डाल दूं मैं, अच्छा खासा जादू सीख के आया था, इगड़म बिगड़म करना था बस, लेकिन मैंने शिट कर दी। अब मुझे तो बस ये ग्रेप्स दो भाई, मेरे को इस ग्रेप्स का इंतजार है, ये बेचूंगा दीदीबा। नो बक भाई, आगे के लिए मैं कितना, अरे तो साले गेट खोलते तेरी, कद्दू साले कद्दू काट दूंगा। अंदर 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 आ रहा है नहीं यार, इसके जिद्दी आदमी है, जिद्दी आदमी है। इधर तो छोटू से, इधर जिद्दी आदमी इधर। अरे अंदर नहीं आ रहा भाई, क्या जिद्दी है यार, ये सब बाहर होने, बाहर जाने को जाएंगे। बंद करो गेट, बंद करो, साले नहीं आएगा, नहीं आएगा तो यार शायद इसकी वजह से नहीं आ रहा हूं। अंदर अंदर आ, अरे नहीं आ रहा भाई, हट क्या है, मैं थप्पड़ पड़ जाएगी तेरे, चुपचाप अंदर आ, इधर इधर से चलेंगे अंदर। अबे कांट मार है क्या, अरे चचा इधर आ जाओ, कैसे लेके जाऊं इसको अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे तू पागल है थोड़ा सा, काट कुटा दूं तेरे को, क्या चाह रहा है, खत्म करूं तेरा खेल। अरे अंदर जाएगा नहीं क्या, क्या चक्कर है इसका? अरे मेरे ग्रेप्स उग गए होंगे, मुझे ग्रेप्स देखने हैं, तू ग्रेप्स नहीं देखने दे रहा मेरे। अरे अंदर क्यों नहीं आ रहा यार, देखना देखना है, छोटी चिरांद को देखना। अरे दुनिया भर की टेंशन है मेरे, वो चला गया बाहर, अरे चाह क्या रहे ये ना माने। इधर से जाऊंगा, अब इधर से जाऊंगा, उधर भीड़ जमा पड़ी है। कांगे छोटू कांगे, अरे छोटे तेरी, अरे कद्दू ही कसूं इधर, पकता हुआ आ जा चुपचाप, छोटा सा है तू तो, तूने नौटंकी दी ना तेरी। अरे बकरी फिर आ गई इधर, अभी निकलने को होगी पक्की बात। शांति बड़ी भाई, इन लोगों शांति रहो यहाँ पे, ठीक है, चुपचाप अंदर रहो, बकवास करने की जरूरत नहीं, किसी को बाहर जाने की जरूरत, भान दूंगा सबको एक एक को। हाँ भाई, अरे मेरे ग्रेप सूख गए होंगे, इधर ग्रेप, साले तुम उगने नहीं आ रहे, 92% हुए, इतनी देर हो गई है। उग जाओ भाई, उग जाओ जल्दी जल्दी, उग जाओ यार, देखो ऐसे मत करो, उग रहे थोड़े थोड़े उग रहे हैं। फर्टिलाइजर लाऊं फिर इनके लिए मैं यार, और तो क्या करूं, मारूं क्या इनमें से किसी को, मारूं क्या, ये तो प्रेग्नेंट है भाई। और कतई मेरी हाइट से भी बड़ा हो जाएगा क्या, इतना बड़ा पिगी कब से देखा तुमने, देखना मेरी हाइट से बड़ा होके मानेगा ये पिगी। हर बार प्रेग्नेंट होता, अगर हर बार प्रेग्नेंट होता 4 गुना हो जाता, ये देखना, इसको देखना छोटा सा, इसको देखना कितना बड़ा। ये सबसे पहला पिगी जो मैं लाया था, मतलब पहला तो मर गए थे, पहले 2 लाया था मैं, मेल फीमेल वो तो मर गए थे, उसके बाद गए ये, बाकी पिगी पिगी है दुनिया भर के भाई। एक केरा कितने मोटे मोटे हो रहे हैं, जाडे जाडे से। यार इसका दूध कैसे निकालू, मेरे को दूध लेना है, पैसा कमाने दो, थोड़ा सा पैसा कमा करता हूँ मैं। रुक, मुर्गियों के अंडे आ गए होंगे ना, अंडों से पैसा कमाया जाए। लो अंडे दो, अंडे दे दो, अब मैं मार दूंगा अंडे। खूब अंडे आ गए, हो गए 5 अंडे हो गए इसमें, ये 6ठा अंडा रखा है मेरे पास, 35 रुपए हो गए मेरे पास। ये लो, अरे तुम बाहर चलो, ये अंडा रखा है क्या इधर, कोई सा अंडा नहीं, कोई अंडा नहीं, लेकिन कचरा बहुत है यहाँ पे यार, कंपोस्टर लाना है, इसलिए इनका कचरा साफ नहीं कर रहा। मैं ला दूंगा, जल्दी ही ला दूंगा कंपोस्टर, बस ज्यादा दिन नहीं बचे, कल के दिन शायद कंपोस्टर में ले आऊँ। चलो फिलहाल तो 36 रुपए के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और शायद मेरे को मिल्क बकेट मिल जाए तो मैं मिल्क निकाल सकूंगा, मिल्क बकेट से शायद मिल्क निकाल सकूंगा, गलत तो नहीं कह रहा मैं। अरे हट जा, देख 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 देख, अरे दुनिया भर की गाड़ी पलटती है भाई मेरी। हेलो दीदी, चलो इसको करो सेल, और 36 रुपए आए क्या, 6 रुपए का बिकता है, ऐसी नहीं है, छोटी मोटी चीज समझ ली तुम। सेल ऑल, अब बाय में चलते हैं, और मेरे पास कितना है, 41 रुपीज आए ना, अब ये देखो। अरे
और ये मिल्किंग मशीन क्या है, क्या मिल्किंग मशीन से मिल्क निकलेगा? अरे यार ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और ये स्टनर क्या है? पता नहीं भाई क्या चीज क्या काम आती है, आधी तो चीजें ही नहीं पता है। कंपोस्टर चाहिए फिलहाल मेरे को, कंपोस्टर लेके जाऊंगा बाद में, अभी मैं चलता हूँ घर पे। दीदी बाय, पता अंडे बेच के निकल ले रहा हूँ मैं। बात हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हमको घर जानी दू। अरे ये आ गया मैं घर का, देख रहे हो तो। अरे मेरे ग्रेप्स नहीं उगने आ रहे हैं यार। 40 रुपए का तो मैं फर्टिलाइजर ले आता, इससे अच्छा तो भूल गया। 40 रुपए का नहीं आता, 100 रुपए का फर्टिलाइजर आता, इसलिए नहीं लाया मैं। बुद्धि बहुत है मेरे में। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। भाई ग्रेप्स उगने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, इनको अगली बार देखेंगे कि कितने के बिकते हैं। एक टोमेटो 6 रुपए का बिकता था, तो तुम गैस करके कमेंट्स में बताओ कि ये कितने का बिकेगा। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।